नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज से पूरे देश में नवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम से प्रारंभ हो चुका है। अगले 9 दिनों तक प्रतिदिन कैपिटल न्यूज पर आप माँ के सभी स्वरूप और नवरात्रि के महत्व को जानेंगे। यूं तो नवरात्रि का ये पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का प्रतीक है और इसकी शुरुआत कलश स्थापना से होती है। शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि पर देवी के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का नाम पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पड़ा और इन्हें नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र का पहला दिन जीवन में स्थिरता और शुद्धता लाने का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। इस दिन कलश स्थापना करके देवी की मूर्ति या चित्र के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्रथम तिथि पर विधिपूर्वक माँ शैलपुत्री की आराधना करने से साधक को आध्यात्मिक और मानसिक शांति की प्राप्ति, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का भी वास होता है। आज के दिन से ही भक्तगण उपवास रखते हैं और अपने मन, वचन और कर्म से पवित्रता का पालन करते हैं। नवरात्रि का पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये आस्था, शक्ति और समर्पण का प्रतीक भी है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में साधक अपनी बुराइयों का त्याग करते हुए आत्मशुद्धि और साधना की ओर अग्रसर होते हैं। ये पर्व हमें ये संदेश भी देता है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हुए नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि का पर्व नारी शक्ति की महिमा का गुणगान करता है। ये हमें याद दिलाता है कि समाज में स्त्री का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। देवी के 9 रूपों की पूजा के माध्यम से समाज में नारी के हर रूप का आदर और सम्मान किया जाता है, चाहे वो माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या फिर दुर्गा के रूप में। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा से जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। भक्तगण देवी शैलपुत्री की कृपा से अपने जीवन में आध्यात्मिक और सांसारिक सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। ये पर्व हमें आस्था, विश्वास और नारी शक्ति के महत्व को समझने और सम्मानित करने की प्रेरणा देता है। आज के वर्तमान समय में जब नारियों पर अत्याचार बढ़ गया है, इस दौर में नवरात्र पर माँ दुर्गा की पूजा करते हुए अपनी आस्था को और अधिक प्रगाढ़ करें और समाज में नारी शक्ति का सम्मान करते हुए अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं।